स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जय स्टडी के यूट्यूब चैनल पर जुड़ने के लिए। और आज के इस सेशन में मैं आपके लिए लेकर आया हूं कुछ जबरदस्त ट्रिक हैं और इन ट्रिक को मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। ट्रिक मैथ्स की होंगी और ये मैथ्स के हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट मजबूत करने के लिए ये ट्रिक हमें आनी भी बहुत जरूरी होती है। जैसे कि मैं आपसे एक नंबर कहता हूँ कि भाई मुझे एक नंबर है 15 का वर्क करके बताओ कि इसका वर्क कितना होगा, तो जब मैं फंडामेंटल की चर्चा कर लेता हूँ तो एक बार देख लेना, मैं फंडामेंटल तरीका ये लगाता हूँ कि 15 लिखो भैया और यहाँ 15 लिखो और ये 15 की गुणा कर लो, 15 × 5 = 75, 75 का आया 5, बचेगा 7, 15 × 15 और 7 + 22 तो अपना रिजल्ट आ गया 225। ये तरीका आपने सीखा होगा, किया होगा और आप करते भी होंगे, लेकिन भाई इस वाले तरीके से अब काम नहीं चलने वाला है, अब बड़े हो गए हो, समझदार हो गए हो, इसलिए मुझे एक काम करना है, जब कभी भी मुझे ऐसे एक नंबर का मुझे वर्ग करने की चर्चा की जाए तो मुझे चेक करना है कि जो इकाई का अंक है वो कितना है, 5 है, तो आंख मीच के 25 लिख देना है, कितना लिख देना है, 25 लिख देना। अब शेष बचे हुए अंक को उसके अगले अंक से गुणा कर देना है। आप कहोगे साहब ऐसे कैसे हो जाएगा, तो मैं कहूंगा भाई ऐसे ही होगा और ऐसा होगा ऐसे कि उसके अगले अंक से गुणा करोगे तो 1 × 2 यह चुपका दो और ये अपना रिजल्ट आया भाई 225। अब आप चेक कर लो कि 15 का स्क्वायर 225 और 15 की 15 से गुणा करके भी कितना आया, 225। कैसा लगा, आइए इसी के साथ अगले चलते हैं, नेक्स्ट ले लेते हैं। भाई 15 का हो गया क्या, 25 में भी चलेगा, बिल्कुल चलेगा भाई, 25 का वर्ग कर लो। मैंने कहा 25 का वर्ग करना है भाई, 25 का वर्ग मुझे बताओ, तो आप तो कहोगे साहब सरल सरल ले रहा, थोड़ा कठिन लो ना, कठिन भी लेंगे, समझो 5 है इकाई में, इकाई में जब 5 है तो 25 तो लिखना ही लिखना है और उसके बाद जो नंबर हमारा है 2, इसे इसके अगले अंक से गुणा करना है, तो 2 × 3 आया कितना, 6, और अपना जो रिजल्ट आया वो कितना आया, 625। दिस इज अ राइट आंसर। चलो साहब ये भी हम मान लिए, एक नंबर और हमें बताओ जरा इससे बड़ा वाला, तो इससे बड़ा वाला नंबर ले लो। मैंने कहा भाई मुझे 55 का वर्ग करना है, तो आप कहोगे साहब 55 का वर्ग बताओ कैसे करोगे, तो हम कहेंगे साहब 55 का भी ऐसे ही करेंगे, 5 है ना इकाई में, 5 का वर्ग हम 25 जोड़ देंगे, लिख देंगे, और ये अंक 5 बच के ना इसके अगले अंक से गुणा करेंगे तो 5 × 6 = 30 हो जाएगा, इसलिए अपना आंसर 30 × 25 हो जाएगा। भाई यहाँ तक तो समझ में आ रहा है कि आप 2 अंकों की डिजिट का स्क्वायर कर रहा हो, जरा 3 डिजिट की करके दिखाओ, तो आओ भैया 3 का भी कर लेते हैं। 3 में आप बोलोगे तो कहोगे कि 105 का करके बताओ, तो हम कहेंगे साहब 105 का कर लो, आपको लगाना सेम है, 5 का वर्ग लगाना है, 5 का वर्ग लगाया हमने तो 25 हुआ। अब नंबर बचे कितना, 10 बचा, 10 की गुणा अगले अंक से कर दो 11 से, तो 10 × 11 = 110 हुआ भाई, ये अपना रिजल्ट आया। अब फंडामेंटल से चेक करा दो साहब हमें, तो लो भैया चेक कर लो, ये 105 है और ये भी 105 है, अब जानते हो ना ये 100 से 5 अधिक है, ये भी 100 से 5 अधिक है, जितना अधिक है उतना इसमें ये जोड़ लो, कितना हुआ 110 हुआ, और ये 5 की गुणा 5 में कर लो 25 हुआ, तो रिजल्ट देखो बिल्कुल सेम आया ना, दिस वन इज द राइट आंसर। आओ जरा थोड़ा और बड़ा नंबर ले लेते हैं भाई, और बड़ा नंबर आप कैसे ले लोगे, हाँ भाई बिल्कुल ले लेंगे, हम लेंगे 125 का वर्क कर लो। भाई जब 125 का वर्क करोगे तो भी यूनिट में 5 मिलेगा, जब यूनिट में 5 मिलेगा तो हम आंख मीच के 25 लिखेंगे, अब बचेगा कितना, 12 को उसके अगले अंक से गुणा करेंगे तो 13 × 26, 13 × 13 और 2 = 15, इसलिए अपना जो रिजल्ट हो जाएगा वो जाएगा 126 × 25। कैसी लगी ये ट्रिक आपको, कमेंट सेक्शन में अपनी जानकारी बताएं और अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर देते जाएं। पसंद आया है तो लाइक करके साथियों के साथ शेयर कर दें। नेक्स्ट सेशन में नई ट्रिक्स के साथ नए एपिसोड में फिर से जुड़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। जय हिंद, जय भारत।